आज हम लोग पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में है ना पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में मेजर दो क्लासिफिकेशंस हैं, दो सेक्शंस हैं, ठीक है। तो मैं इसको लेक्चर वन कह रहा हूँ, और इस चैप्टर में हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं, है ना, दो मेजर चीजें कवर करते हैं। एक हम लोग पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे, और दूसरा है ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल में हमें मेनली ना तीन चीजों की स्टडी करनी है, ठीक है, तीन चीजों की स्टडी करनी है। पहला, एक हम जो पहली स्टडी करेंगे वो एक है ना जनरल पढ़ाई करेंगे पीरियोडिक टेबल की हम लोग, फिर हम लोग है ना ग्रुप्स की स्टडी करेंगे, और फिर हम पीरियड्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, पीरियड्स के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा हम डेवलपमेंट कैसे हुआ इस पीरियोडिक टेबल का है ना, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पे भी बातचीत करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैं मेनली बात करने वाला हूँ रेडियाई के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है ना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, मेटालिक कैरेक्टर, और क्या है ना ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ठीक है, और भी चीजें होंगी ना, इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारा दो पार्ट में ये चैप्टर है पूरी तरह से, ठीक है। पहला पार्ट है पीरियोडिक टेबल, ग्रुप जेंडर स्टडी, ग्रुप पीरियड्स और डेवलपमेंट। मुझे लगता है इसमें मैं लगभग तीन लेक्चर ले लूंगा, ठीक है, और लगभग सात आठ लेक्चर इसमें लगने चाहिए, तो टोटल है ना 10 लेक्चर का काम है ये। तो आइए पीरियोडिक टेबल से शुरुआत करते हैं। पीरियोडिक टेबल की स्टडी करने से पहले आपको पूरा पीरियोडिक टेबल बनाने आना चाहिए, ठीक है ना, उसे सारे एलिमेंट्स याद हो ना हो, लेकिन कुछ तो आपको चीजें उसकी याद होनी चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस पीरियोडिक टेबल जो होता है, मैं आपके सामने बना रहा हूं, अगर व्यूवर्स देख रहे हैं तो वो भी मेरे साथ इसको बनाने की कोशिश करें। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आप दो वर्टिकल कॉलम्स खींच सकते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे खींच लीजिए, इसको आधा कर लीजिए। अब इसमें पांच वर्टिकल कॉलम्स बनाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 5, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है ना। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको 6 वर्टिकल कॉलम्स बनाने हैं। एक तो ये हो गया नोबल गैसेस वाला, और बाकी पांच और बनाने, 1 2 3 4 5, 4 5, ठीक है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल, अच्छा यहाँ पे भी एक ब्लॉक हो जाएगा, एफ ब्लॉक आने वाले समय में, इसको आप दो भाग में बांट दीजिए, और फिर इसको आधा कर दीजिए, और फिर इसको 7 पार्ट्स में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और फिर ये ऐसे हो गया, इसको भी आप 7 पार्ट्स में बांट दीजिए हॉरिजॉन्टल रोज में, 3 हो गया, ये चौथा हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, ठीक है ना, सिक्स्थ सेवेंथ हो जाएगा। फिर आपको इनको है ना भरने आना चाहिए, जैसे आपको ये याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो मेरे साथ पीरियोडिक टेबल बनाइए, इस पीरियोडिक टेबल को आपको बनाना होगा, नोट्स बनाते समय आना चाहिए,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। और आप और भी लिख सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 1 से लेके 30 है ना, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, 1 से लेके 30 तक। तो एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो पीरियोडिक टेबल में आपको लगातार याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, इस तरह से बिल्कुल लगातार याद होना चाहिए। जब 30 तक पहुंच जाए तब कोशिश करिए कि चीजों को आप वर्टिकली याद रखें, ठीक है, जैसे क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ठीक है ना, ऐसा हो गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, ऐसे ही। फिर ये जो ये लोग जो हैं, ये एस ब्लॉक के लोग कहे जाते हैं, कॉल्ड एस ब्लॉक, ठीक है ना, एस ब्लॉक हो गया। ये डी ब्लॉक है, इसको आप डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। ये आपका पी ब्लॉक हो जाता है, पी ब्लॉक हो जाएगा। हीलियम भले ही पी ब्लॉक की तरफ दिखाई पड़ता है, ठीक है, लेकिन होता वो ना एस ब्लॉक का मेंबर है, ऐसा क्यों मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अब पहले एस ब्लॉक याद रखिए, फिर पी ब्लॉक याद रखिए, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ऐसे कर लिया। इसके बाद आपको कुछ कुछ चीजें है ना, और अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना वर्टिकली याद होने चाहिए, जैसे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्वाइनेज, मेटल कहते हैं इन्हें, ठीक है, क्वाइनेज, निकल, पैलाडियम, प्लैटिनम, ठीक है ना, ऐसे आप क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या, अब इतनी चीजें याद होने के बाद इसके बाद ये एक चीज और याद रखना है कि ये जो एटॉमिक नंबर्स हैं इनको भी याद रखें, इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं, 2, 10, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है ना, ये याद रखने से आपको थोड़ा इजी होगा ना चीजों को याद रखना। जैसे 454 के बाद है ना सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 होता है, 56, ठीक है, और ये है ना इसके बाद हो जाता है लैंथेनम, ठीक है ना, लैंथेनम शुरू हो जाएगा, लैंथेनम, लैंथेनम जो होता है वो 57 होता है, ठीक है ना, और लैंथेनम के बाद पीरियोडिक टेबल यहाँ इस जगह से यहाँ आ जाता है, ठीक है ना, और कहाँ से शुरू होता है फिर, है ना, आपका है ना लैंथेनम के बाद सीरियम से शुरू हो जाता है, सीरियम से ल्यूटेटियम तक जाता है, ठीक है ना, अगर आप इसको 57 कहें, 58 ये हो जाएगा, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ठीक है, 71 के बाद जो पीरियोडिक टेबल है का एलिमेंट है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप है ना रदर सॉरी हैफनियम कहेंगे, ठीक है, तो इसको आप हैफनियम कहा जाएगा, हैफनियम हो जाएगा, ठीक है, हैफनियम जो है वो आपका 72 हो जाएगा, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक है, इस तरह से है ना ये चीज चली जाएगी। कहीं मैंने गलती की है, 76, ये 77 हो जाएगा, ये 78, 79, 80, 81 थैलियम, 82 लेड, 83, 84, 85, 86, ठीक है, फिर 86 के बाद फ्रेंशियम 87 होगा, फिर
रेडियम 88 होगा, और फिर यहाँ पे एक्टिनियम आ जाएगा, ठीक है ना, एक्टिनियम आ जाएगा विच इज व्हाट 89, 89 के बाद 90 में फिर यहाँ से चीजें शुरू होंगी 90, है ना, एंड दिस विल बी थोरियम। तो आप देख सकते हैं ये सिक्स्थ पीरियड है और ये क्या है ना सेवन्थ पीरियड है, ठीक है। ये आपका थोरियम हो जाएगा, थोरियम, थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 90 हो जाएगा, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, और फिर इसके बाद ये यहाँ से शुरू हो जाएगा 104 जो है वो रदरफोर्डियम हो जाता है, ठीक है ना, रदरफोर्डियम हो जाएगा ये 104, ठीक है, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 118। आज तक 118 एलिमेंट्स ही खोजे गए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा दिख रहा है आप चाहे तो उसको भर सकते हैं और चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको है ना इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए कि एलिमेंट्स जो है 1 से लेके 30 तक आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, फिर आपको वर्टिकली याद होना चाहिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है ना, ऐसे याद होना चाहिए क्या, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ऐसे, फिर ये जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, क्रोम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है, इतनी चीजें याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको और याद रहता है तो इससे अच्छी बात नहीं, जैसे आपको यहाँ पे यट्रियम याद होना चाहिए, ठीक है, तो ये डी ब्लॉक के लोगों की शुरुआत आपको याद होनी चाहिए, स्कैंडियम से जिंक, यट्रियम से कहाँ तक, कैडमियम, लैंथनम से कहाँ तक, है ना, मर्क्यूरी और है ना एक्टिनियम से कहां तक, जो भी होगा ये अन 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 बायम होगा, ठीक है ना, इसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां तक चीजें जो है ना आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा याद रहता है तो अच्छी बात है, जैसे ईट्रियम के बाद क्या आता है, जिरकोनियम, नियोबियम, एनबी, मॉलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रुथिनियम, रोहोडियम, ठीक है, ऐसे हैफ, टेंटेलम, टंगस्टन, रिथनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ठीक है, इतनी चीजें याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद इनके नाम जो है ना आपको मैं सिखाऊंगा, जो 100 से ऊपर लोग होते हैं उनके नाम कैसे रखे जाते हैं ये मैं बताऊंगा, सीरियम, पीआर, एनडी, पीएम, एसएम, ईयू, गैंडोलियम, टीबी, डीवाई, वैसे याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना, है ना, आप इसको नहीं भी याद रख सकते, ठीक है। थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, सीएम, कैलिफोर्नियम, ईएस, फर्मियम, ठीक है ना, ये चीज है। इसके आगे के लोगों का नाम ना मैं अभी सिखाऊंगा, इसको आप अन अन ना पेंटियम कह सकते हैं, और यहां से शुरू होके है ना अन अन ऑक्टियम तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा मेनली एक पीरियोडिक टेबल हो गया जो हमें जानना चाहिए। इसके अलावा क्या एक चीज और ध्यान देनी है, इसको आप लिख सकते हैं 1A 2A, ठीक है, 1A 2A, 3A 4A, 5th A, 6th A, 7th A और 0, ठीक है ना। और फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं ना, यहां तक होने के बाद अब फिर आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं है ना 1B 2B, फिर आप घूम के इधर आ जाएंगे, ठीक है। स्कैंडियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3B 4B 5B 6B 7B, और पहले के लोगों को ये लगता था ना कि सिर्फ 8 ही लोग हो सकते हैं वैलेंस शेल में,
इसलिए इन तीनों को उन्होंने एट्थ ग्रुप कह दिया, ठीक है ना, इसको एट्थ ग्रुप कह दिया, ठीक है। ये आपका जो कन्वेंशन है ये यूरोपियन कन्वेंशन है, ठीक है, यूरोपियन कन्वेंशन है। अच्छा, इसके बाद लोगों ने ना अमेरिकन कन्वेंशन, अमेरिकन लोगों ने क्या किया, अमेरिकन कन्वेंशन भी है ना, अमेरिकन लोगों ने कहा नहीं हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A। इस पूरे को इन्होंने तीनों को क्या कहा है ना, एट्थ कह दिया, एट्थ कह दिया है ना, फर्स्ट बी, और फिर ए खत्म होने के बाद उन्होंने बी शुरू किया, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी, सॉरी जीरो, ठीक है, जीरो का। अब मॉडर्न पीरियोडिक कन्वेंशन जो होता है ना, जिसे हम IUPAC कन्वेंशन कहते हैं, उसमें ये सब फॉलो नहीं किया था, मैं इसको यहां लिख रहा हूं एस ब्लॉक, ठीक है, ये एस ब्लॉक है ना। तो मॉडर्न कन्वेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा कि ये सब करने की ए और बी जरूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। एट्थ ग्रुप में जो तीन लोग थे तीनों को अपना अपना नाम दिया गया, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, थर्टींथ ग्रुप, फोर्टींथ ग्रुप, फिफ्टींथ ग्रुप, सिक्सटींथ ग्रुप, सेवनटींथ ग्रुप, और नोबल गैसेस को एटींथ ग्रुप कहा गया, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल का है ना, ग्रुप्स का, ग्रुप्स के जो नामकरण है वो इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब इन पीरियोडिक टेबल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, और इनके बारे में छोटी छोटी बातें है ना, ओवरऑल जो इस पीरियोडिक टेबल में हम जान सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैं 2-3 मिनट व्यूवर्स को दे रहा हूं ताकि आप जो भी लिखना है वो लिख लें, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो आइए अब इस पीरियोडिक टेबल में जो मेन सेलियंट फीचर्स हैं उनको एक एक करके जानते हैं, और मैं इसको लिखूंगा ताकि आप मेरे साथ साथ लिख भी सकें। हीलियम जो है, पहला पॉइंट, हीलियम जो है वो भले ही पी ब्लॉक की तरफ दिखता है पर होता एस ब्लॉक का मेंबर है, ऐसा क्यों मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हीलियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, ठीक है, हीलियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, ये लिखा आपने। ऑल्दो इट इज रिटन ऑन पी ब्लॉक साइड, ठीक है, पी ब्लॉक साइड, तो पी ब्लॉक के साइड लिखा जरूर जाता है, पर हीलियम जो है वो एस ब्लॉक को बिलोंग करता है। दूसरी बात क्या, ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो आप मेटलॉइड्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, मेटलॉइड्स यहां पे मैं रेड कर दे रहा हूं, ठीक है, बोरॉन, बोरॉन मेटलॉइड होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, टेलूरियम आ जाएगा, और फिर पोलोनियम आ जाएगा, ठीक है, टेलूरियम, पोलोनियम और क्या, एस्टेटिन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इधर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, ये बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये बाउंड्री है ना, ये लोग मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये, फिर ये है ना, और फिर टेलूरियम और पोलोनियम और एस्टेटिन, ठीक है, ये लोग मेटलॉइड्स होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, आप लिख सकते हैं देर आर 8 मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स उन्हें कहते हैं है ना, जिनकी जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी मेटल से मिलती है और थोड़ी नॉन मेटल से मिलती है, ठीक है, देर आर 8 मेटलॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल, नेमली कौन कौन से हो जाएंगे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम, पोलोनियम एंड
एस्टेटिन, ठीक है ना, ये आपके मेटलॉइड्स हो गए। ध्यान देने वाली बात है कि इन मेटलॉइड्स के जितने भी लोग इस तरफ हैं, ठीक है, वो सब नॉन मेटल हैं, ठीक है, और जितने भी इस तरफ हैं, ठीक है, चाहे वो यहां से शुरू हो एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, बिस्मथ, ठीक है, ये तमाम लोग जो हैं वो मेटल्स में गिने जाते हैं, ठीक है। ये इवन ये जो एफ ब्लॉक है, हाँ इस चीज को मैं बताना भूल गया, इसको आप एफ ब्लॉक कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और ये एफ ब्लॉक भी जो है ना, ये पीरियोडिक टेबल का ही ब्लॉक है, ठीक है, और इसके इधर के लोगों को मेटल कहा जाता है, इस जो काले जो मैंने डार्क बॉक्सेस में किए हैं इसको मेटलॉइड कहते हैं, और इसके ऊपर के लोगों को नॉन मेटल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल्स जो है वो इधर के हैं और साथ में कौन सा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर आप नॉन मेटल्स की बात करिए तो आप कह सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं तीसरी बात क्या, देर आर 17 नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से है ना, नेमली नेमली हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन, सेलेनियम, ब्रोमीन, ठीक है ना, क्रिप्टन, क्रिप्टन, आयोडीन, जेनॉन एंड एंड रेडॉन, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इनमें से कितने लोग सॉलिड हैं, कितने नॉन मेटल सॉलिड हैं, तो मैं कह सकता हूं कि कार्बन एक सॉलिड नॉन मेटल है, ठीक है, फास्फोरस सॉलिड होता है, सल्फर सॉलिड होता है, सेलेनियम सॉलिड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच नॉन मेटल्स जो है ना वो सॉलिड होंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं देर आर 5 नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। कौन कौन से यहां लिख रहा हूं, हो जाएंगे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम एंड आयोडीन, ठीक है। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने नॉन मेटल्स हैं जो लिक्विड हैं, इसको भी जाना जाए, तो लिक्विड नॉन मेटल में अगर आप किसी को भी जानते हैं तो वो ब्रोमीन है, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। देर इज वन नॉन मेटल विच इज लिक्विड एंड दैट इज ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन जो है हमारा लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल है। अच्छा, जहां तक गैसेस की बात है तो शेष सारे लोग जो हैं नॉन मेटल्स वो गैसेस हो जाएंगे। कितने गैसेस हो जाएंगे आप गिन सकते हैं, मेरे ख्याल से 11 होना चाहिए, है ना। एक हाइड्रोजन, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि देर आर 11 नॉन मेटल्स विच आर गैशियस इन स्टेट। कौन कौन से लोग हो जाएंगे, ये लोग हो जाएंगे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, ठीक है, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। अच्छा, उसमें से भी ध्यान देने वाली बात क्या है, तो ये सारे है ना 11 लोग जो हैं वो गैसियस स्टेट में हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11। इसमें से अगर आप डायटॉमिक की बात करिएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन डायटॉमिक है, बाकी 6 के 6 क्या है, मोनोएटॉमिक है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं देर आर 5 गैसेस, 5 नॉन मेटल, नॉन, ऑफ कोर्स गैसेस आर नॉन मेटल, देयर फाइव है ना गैसेस विच आर डायटॉमिक, ठीक है, विच आर डायटॉमिक है ना, नेमली कौन कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है, ये डायटॉमिक है, बाकी सारी मोनोएटॉमिक हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं आठवीं बात, देयर आर सिक्स गैसेस विच आर, है ना, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, हीलियम हो जाएंगे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड क्या, रेडॉन, ठीक है। तो ये गैसेस हो जाएंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स को छोड़कर जितने भी और एलिमेंट्स हैं वो सब जो है मेटल्स के रूप में पाए जाते हैं या फिर मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स कौन से, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या, अगली बात ये है कि ये पता लगाया जाए कि इनमें से कौन कौन से नॉन मेटल्स जो है वो लिक्विड टोटल, अब पूरे पीरियोडिक टेबल की बात की जाए, अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल में जानना चाहते हैं कि कौन लोग लिक्विड होते हैं, तो आपको जानना चाहिए ब्रोमीन इज लिक्विड, गैलियम इज लिक्विड, ठीक है ना, ब्रोमीन, गैलियम, मर्करी इज लिक्विड, फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, सीजियम भी लिक्विड स्टेट में होता है, फ्रांशियम रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 32 डिग्री सेल्सियस होता है, तो रूम टेम्परेचर पे, तो अगर आप, अगर रूम टेम्परेचर के लिए बहुत स्पेसिफिक हैं तब तो चार ही लोग रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ब्रोमीन, गैलियम, मर्करी, सीजियम, ठीक है। लेकिन आप हाथ पे लेंगे तो फ्रांशियम भी गल जाएगा, ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस होता है, तो लगभग इसको भी आप क्या मान सकते हैं, है ना, लिक्विड स्टेट में मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि कितने मेटल्स जो है लिक्विड होते हैं, पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। तो 9th बात अभी हम लोगों ने क्या देखी, ठीक है ना, 9th बात हम लोगों ने क्या देखी कि सीजियम, फ्रांशियम, गैलियम, मर्करी और ब्रोमीन जो है वो किस स्टेट पे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 क्या होगा, सीजियम, फ्रांशियम, मर्क्यूरी, ब्रोमीन एंड 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 व्हाट, गैलियम आर आर फाउंड टू बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, इसमें से सिर्फ ब्रोमीन ही नॉन मेटल है, बाकी सारे लिक्विड मेटल्स हैं, ठीक है। बाकी जैसे सीजियम, फ्रांशियम, मर्करी हो गया या गैलियम हो गया, ये सब लिक्विड नॉन मेटल्स हैं, लिक्विड मेटल्स हैं, ठीक है। सिर्फ ब्रोमीन ही इसमें क्या है ना, नॉन मेटल है, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। अगली बात क्या है ना, एस ब्लॉक को, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 10 क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली, कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। अगली चीज क्या, अगर आप इनके है ना पीरियड्स की बात करिए, तो आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप पीरियड्स की बात करिए तो हर पीरियड के हिसाब से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं, ठीक है। जैसे है ना पीरियड नंबर, पीरियड नंबर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर पीरियड नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करिए, है ना, अगर आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पीरियड की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना, तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड में आप देखेंगे कहां से कहां तक, लिथियम से कहां तक है, नियॉन तक है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड में भी आठ होंगे, सोडियम से कहां तक, आर्गन तक, ठीक है। तो है ना सेकेंड और थर्ड में आठ आठ लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा पीरियड है, ठीक है, दिस इज शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, ठीक है। फोर्थ में कितने हैं, फोर्थ में आप देख सकते हैं दो एस एस ब्लॉक में 10, डी ब्लॉक में 12 और 6, 18, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ में भी हो जाएगा 18, तो ये थोड़े लॉन्ग हो जाएंगे, कितने, 18, 18, ठीक है, दिस इज 18, 18, ठीक है। और सिक्स्थ और सेवेंथ में क्या चक्कर है, सिक्स्थ में अगर आप देखेंगे तो है ना एक दो दो एस ब्लॉक, फिर आप इधर चले जाइए 14 F ब्लॉक, 2 और 14 कितने हो गए, 16, 16 और फिर 10 D ब्लॉक, 16 और 10
26, 26 और फिर 6 पी ब्लॉक, कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। तो ऐसे ही दोनों में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 32, ठीक है। तो इसमें 32 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। अगली बात क्या, यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट्स आते हैं, यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट्स आते हैं, यानी नेपच्यून, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम से लेकर, है ना, और यहां तक कहां, है ना, रदरफोर्डियम से लेकर कहां तक, है ना, अन अन ऑक्टियम तक, जहां तक इंसान ने खोजा है ना, इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो 12वीं बात क्या है, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स विच आर आफ्टर यूरेनियम, विच आर आफ्टर यूरेनियम इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होना भी चाहिए। ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्यों, खास बात क्या है इनकी, क्योंकि नेचुरली नेचर में यूरेनियम तक ही चीजें पाई जाती है, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी न्यूक्लियर रिएक्शन का आउटकम है, ठीक है, और इसलिए ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं या मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का मतलब हो गया मैन मेड एलिमेंट्स या क्या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी, है ना। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स डोंट एग्जिस्ट, दीज एलिमेंट्स डोंट एग्जिस्ट नेचुरली एंड आर फाउंड टू बी एंड आर फाउंड टू बी आउटकम ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, हेंस दे आर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, दे आर आर्टिफिशियल और मैन मेड एलिमेंट्स, मैन मेड एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल या मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज मुझे क्या बताना है कि अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करिए, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन कौन से रेडियो एक्टिव होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूं, क्योंकि है ना एफ ब्लॉक में तो मैक्सिमम आपके क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो अब तक हम लोग जो जानते हैं जिनको, उनमें अगर आप रेडियो एक्टिव की बात करिएगा, तो पोलोनियम बिस्मत के बाद जितने हैं वो सब रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, पोलोनियम, एस्टेटिन, रेडॉन, फ्रेंशियम और रेडियम, ठीक है। तो इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, अमोंग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, अमोंग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, अच्छा मैं ये भी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और उनकी भी नहीं बात कर रहा हूं जो जो ट्रांस यूरेनिक है, क्योंकि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट में भी कई एलिमेंट्स जो हैं यहाँ के बाद के, है ना, पी ब्लॉक में होते हैं, पर वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, नेचुरल पाए जाने वाले एलिमेंट्स नहीं है। तो जो नेचुरली पाए जाने वाले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, वो सिर्फ 5 है, कौन कौन से हैं, पोलोनियम, एसिटिन, रेडॉन, फ्रांशियम और क्या, रेडियम, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं, अमॉन्ग द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स विच आर आर फाउंड नेचुरली, फाउंड नेचुरली पोलोनियम, एस्टेटिन, रेडॉन, फ्रांशियम एंड रेडियम आर रेडियो एक्टिव, ठीक है, आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज जो है आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और पढ़नी है, ठीक है ना, जो है एक एक चीज और पढ़नी है हमें, क्या कि कैसे हुआ, क्या कि जैसे ही 100 के ऊपर हम बढ़ते हैं, है ना, जो भी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं वो जो है किसी न्यूक्लियर फिशन का आउटकम होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई किसी देश में कोई एलिमेंट खोजा गया, किसी देश में दूसरा एलिमेंट खोजा गया, दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपना अपना नाम रख दिया उस एलिमेंट का, तो इससे क्लैश हो जाता है। तो IUPAC ने एक नॉमनक्लेचर सजेस्ट किया है, जिसके थ्रू आप, है ना, 100 से ऊपर जो जिन जो जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका नाम नामकरण, है ना, जब तक उनका कोई IUPAC नाम नहीं रखता तब तक जो है उनका इस नॉमनक्लेचर के थ्रू नाम रखा जाता है, ठीक है।
तब तक के लिए इंटरमीडिएट समय के लिए रखा जाता है। फॉर इंस्टेंस मैंने कोई एलिमेंट खोजा ट्रांसयूरेनिक, ठीक है, तो मैं उसको अपना नाम नहीं दे दूंगा, आईयूपीएसी उसको नाम देगा, ठीक है। तो जब तक आईयूपीएसी नाम दिया देता है, और जब तक जब जब वो खोजा जाता है और जब आईयूपीएसी नाम देता है, उसके बीच में के समय में उसको क्या पुकारना चाहिए उस एलिमेंट को, इसको नॉमन के इसका नॉमन केचर आईयूपीएसी ने दिया है, ठीक है। तो आइए उस नॉमन केचर को सीखने की कोशिश करते हैं। आईयूपीएसी नॉमन केचर, नॉमन क्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हैविंग जेड ग्रेटर देन 100 और इक्वल टू 100, ठीक है। तो इससे पहले कि हम सबका नाम लिखना शुरू करें, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप पहले ये जो डिजिट्स हैं है ना, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डिजिट्स नेम एंड सिंबल, सिंबल, ठीक है। जीरो को हाँ नील कहते हैं, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, तो इतने में हो जाना चाहिए। जीरो को कहते हैं निल, जीरो कहते हैं निल, ठीक है। और इसका सिंबल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। अगर मैं इसको वन कहूंगा तो इसे क्या कहेंगे, अन, ठीक है। और इसका सिंबल हो जाएगा यू, ठीक है। टू को कहेंगे बाय, सिंबल हो जाएगा बी। थ्री को कहेंगे ट्राई और सिंबल हो जाएगा क्या, टी। फोर को हम टेट्रा कह सकते थे, लेकिन फिर दिक्कत ये होगा कि ये टी और ये टी भी मैच करने लगेगा, तो इसलिए टेट्रा ना कह के इसको क्या कहने लगते हैं, क्वाड, ठीक है, क्वाड कहते हैं, जिसका सिंबल क्यू हो जाएगा। पांचवे को हम पेंट कहते हैं, है ना, पी हो जाएगा। सिक्स को हम हेक्स कहते हैं, एच हो जाएगा। सेवन को हम हेप्ट कह सकते थे, ठीक है, लेकिन हेप्ट कहने से फिर सिंबल इसका क्या करने लगेगा, एच से मैच करने लगेगा, इसलिए हेप्ट ना कह के हम इसको क्या कहते हैं, सेप्ट कहते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एस, ठीक है। ऐसी आठ को, एट को ऑक्ट कह सकते हैं, और नाइन को हम नोन अगर कहते तो एन और एन मैच करने लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एन, ठीक है, एन कहते हैं, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपको अगर पता है तो आप सारे एलिमेंट्स का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए ना एलिमेंट्स का नाम लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे एलिमेंट्स का नाम लिखा जाए, ठीक है। अब आपको पता है कि ये किसको किसको क्या क्या कहते हैं। मैं 100 से लेकर 101 से लेकर 118 तक सभी एलिमेंट्स के नाम लिखूंगा, ये 101 से लेकर 118 तक मैं सारे एलिमेंट्स के नाम लिखूंगा, और आप मेरे चाहे तो मेरे साथ लिख भी सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस नॉमेनक्लेचर का, है ना। जब भी कोई एलिमेंट खोजा जाता है और जब तक उसका नाम आईयूपीएसी नहीं रख देती, उसके बीच के समय में आप एलिमेंट को ये इसी नाम से या इसी नॉमेनक्लेचर के तरीके से आप पुकारते हैं, ठीक है। तो आइए जो है अब 101 से लेके 118 तक सारे एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं इस कन्वेंशन से। एटॉमिक नंबर, आईयूपीएसी नेम, पीएसी नेम, सिम, ना सॉरी इसका नेम, फिर आईपीसी नेम बाय कन्वेंशन, है ना, देन सिंबल, ठीक है, सिंबल, देन रियल आईपीएसी नेम, है ना, आईयूपीएसी नेम विच इज नाउ असाइंड, दिस इज इंटरमीडिएट आईयूपीएसी नेम, ठीक है, एंड आईयूपीएसी सिंबल, ठीक है, आईयूपीएसी सिंबल क्या हो जाएगा। तो आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या है इतनी चीजें। अगर मैं इसको 101 लिखता हूं, 101, ठीक है, if I write it as, है ना, 101, ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, अन, अन क्या, अन निल निलियम, ठीक है, अन निल अनियम, सॉरी अनियम। सिंबल क्या हो जाएगा इसका, यू एन यू, अन निल
अनियम, ठीक है, इज अ सिंपल हो जाएगा यू एन यू, यू एन यू हो जाएगा। और इसका आईयूपीएसी नेम जो होता है वो होता है मेंडलीवियम, मेंडलीवियम, और इसका सिंबल हो जाएगा क्या, एमडी, ठीक है, एमडी हो जाएगा। तो ये इसका सिंबल हो गया, ये नाम आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 102 की बात करेंगे, ठीक है, 102 की बात करेंगे, 102, तो इसको कहेंगे अनिल बायम, ठीक है, यू एन बी, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इनके आईयूपीएसी नेम लिख लेते हैं, ठीक है, 2, 103, 104, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109, इतना लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 118 तक चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये नाम लिखते हैं, इसका क्या नाम लिखेंगे आप, अनिल ट्रायम, ट्रायम, यू एन टी, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे, अनिल क्वाडियम, ठीक है, क्वाडियम लिखा जाएगा, यू क्या, यू एन क्यू, ठीक है ना, यू एन क्यू। ऐसे इसे लिखेंगे अनिल पेंटियम, बिल्कुल पेंटियम लिखा जाएगा, यू एन पी, ठीक है, यू एन पी। इसको लिखेंगे अनिल हेक्सियम, ठीक है, यू एन एच, यू एन एच। एस इसको लिखेंगे अनिल, है ना, सेप्टियम, यू एन एस। इसको लिखेंगे अनिल ऑक्टियम, यू एन ओ। और इसको लिखेंगे अनिल एनियम, ठीक है, तो इसको लिखेंगे यू एन ई, ठीक है, यू एन ई। ये तो इनके नाम हो गए जो आमतौर पर जो कन्वेंशन आईयूपीएससी है उसके अनुसार ये नाम लिखा जाना चाहिए, ये लॉजिकल है, आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, फिर पूछा जा सकता है। इनके रियल नाम जो हैं और रियल सिंबल जो हैं, जो आईयूपीएससी ने बाद में असाइन किए, ये आपको याद नहीं भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम राइटिंग इट, ठीक है। तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इसको लिख रहा हूं। जैसे 102 वाले को आप नोबेलियम कहते हैं, नोबेलियम कहा जाता है, एनबी, ठीक है, नोबेलियम। ऐसे ही थर्ड वाले को क्या कहते हैं, लॉरेंशियम, लॉरेंशियम, एलआर। रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, आरएफ, ठीक है। ऐसे ही 105 वाले को कहते हैं डिबनियम, डबनियम, डीबी, ठीक है। 106 वाले को बोलते हैं सी बॉर्गियम, सी बॉर्गियम, एस जी, है ना। 107 को कहते हैं बोहूरियम, ठीक है ना, बी एच। 108 को बोलते हैं हैसनियम, हैसनियम, एच एस, ठीक है, हैसियम बोलते हैं, सॉरी, हैसियम, हैसियम कहा जाता है। और 109 वाले को मिटनेरियम, एम ई आई टी ई आर, मिटनेरियम कहा जाता है, एम टी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ऐसे ही 110 वाले को क्या कहेंगे, अन 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 निलियम, ठीक है, अन अन निलियम कहा जाता है, यू एन एन, ठीक है, यू यू एन, अन अन निलियम, अन अन निलियम, ठीक है। और इसका रियल नेम जो है वो है ना डर्म्स, डर्म स्टेडियम है, एस टी ए डी टी आई यू एम, ठीक है, डर्म स्टेडियम है, और इसे डीएस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो 110 तक हो गया। फिर ये इंसिस्ट करना चाहता हूं कि ये नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसको भूल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आप कैसे लॉजिकली इनका जो इंटरमीडिएट आईयूपीएससी नाम है ना, नेम है, ये आपको लिखने आना चाहिए। इस पे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। आइए, ये बात चली है तो इसे पूरी कर लेनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग इसको 118 तक लिख सकते हैं, 118 तक लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. ठीक है, अन अन अनियम, ठीक है, यू यू यू, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अन, हाँ अन अन बायम, ठीक है, बायम, यू यू बी, ठीक है, इसे कह सकते हैं अन अन ट्रायम, ठीक है, यू यू टी, ठीक है, इसको कहा जाएगा अन अन क्वाडियम, यू यू क्यू, अन अन पेंटियम, पेंटियम, ठीक है, यू यू पी, अन अन हेक्सियम, यू यू एच, अन अन सेप्टियम, यू यू एस, और इसको कह सकते हैं अन अन ऑक्टियम, यस अन अन ऑक्टियम, यू यू ओ, ठीक है। अब बात इनकी इनके रियल नेम की जो आईयूपीएसी ने असाइन किया है, तो आइए देखते हैं। 111 वाले को कहते हैं साइंटिस्ट रॉयजेन के नाम पे है, रॉयजेनियम, इसका सिंबल हो जाएगा आर, ठीक है। ऐसे ही कॉपरनिकस जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे इसका नाम है कॉपरनिशियम, ठीक है, कॉपरनिशियम है, CN, ठीक है। अगला नाम है निहोनियम, निहोनियम NH, ठीक है। 114 वाले का नाम है ना फेलरोवियम, फेलरोवियम FL कहेंगे, ठीक है। 115 वाले का नाम है मॉस्कोवियम, मॉस्को के नाम पे है मॉस्कोवियम, है ना, MC कह सकते हैं इसे, है ना। और 116 वाले का नाम है लिवर मोरियम, मोरियम इसका नाम हो जाएगा LV, लिवर मोरियम। ऐसे ही टेनेसी शहर के ऊपर, है ना, अमेरिका के टेनेसी शहर के ऊपर टेनी सीएम सीन, टेनिसीन, है ना, और इसका सिंबल हो जाएगा TS, ठीक है। और 118 वाले का नाम है ओगैनेसन, ओगैनेसन, है ना, और इसका सिंबल हो जाएगा OG, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में हम लोगों ने छोटी छोटी बातें की, आज पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझा, ये समझा कि इसमें कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, है ना, ग्रुप्स होते हैं, इनके बारे में बातचीत की, कौन लोग किन को आप, है ना, मेटलॉइड्स कहते हैं, किन को आप नॉन मेटल्स कहते हैं, किन को आप मेटल्स कहते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में जाना, कितने क्या इनका इनका, है ना, नंबरिंग का तरीका होता है, ठीक है ना, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक किसे कहते हैं, इन पे बातचीत की। और हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 के ऊपर भी बातचीत की है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं तो ग्रुप्स और पीरियड्स की बात करेंगे, और है ना जानने की कोशिश करेंगे, है ना, कि है ना डेवलपमेंट कैसे हुआ पीरियोडिक टेबल का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।